मैसेजेस। तो फाइकोमाइसिटिस फंगी का एक इंपॉर्टेंट क्लास है, इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। फाइकोमाइसिटिस के जितने भी जनरल फीचर होते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फाइकोमाइसिटिस क्लास के जो फंगी होते हैं उसको इंपॉर्टेंट टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं ओमाइसिटिस और सेकेंड ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं जाइकोमाइसिटिस। जितने भी ओमाइसिटिस ग्रुप्स के फंगी होते हैं उसको हम लोग एल्गल फंगी या वाटर मोल्ड फंगी के नाम से भी जानते हैं। तो ओमाइसिटिस ग्रुप्स के फंगी को हम लोग एल्गल फंगी या वाटर मोल्ड फंगी क्यों कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ओमाइसिटिस ग्रुप्स के क्या होते हैं, फंगी होते हैं, उसको एल्गल फंगी या वाटर मोल्ड फंगी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक होने के साथ साथ ये क्या होते हैं, इनमें थैलस प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहला मैं एक्वाटिक लिखा हूं, एक्वाटिक हैबिटेट From ऑफ्थेलस। तो जितने भी ओमाइसिटिस ग्रुप्स के फंगी होते हैं उसको हम लोग एल्गल फंगी या वाटर मोल्ड फंगी कहते हैं क्योंकि एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक का मेन रीजन ये है कि ये हमेशा जल में, जल के अंदर डूबे रहते हैं, और जल के अंदर अगर डूबे रहते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर जो होती है वो रिवर लाइक होती है। और नंबर नेक्स्ट में लिखा थैलस। थैलस का मतलब होता है ऐसा फंगी जिसमें लीफ स्टेम और रूट क्या हो, अब्सेंट हो। तो जिसमें लीफ रूट स्टेम अब्सेंट होती है तो ऐसे फंगी को हम लोग थैलस कहते हैं, अर्थात इसमें थैलस में क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। उसके बाद इसके कुछ जनरल फीचर आपको पता होना चाहिए। जैसे जितने भी ओमाइसिटिस ग्रुप्स के फंगी होते हैं वो मोस्टली पैरासाइट होते हैं। तो मोस्टली पैरासाइटिक का मतलब क्या होगा, तो मोस्टली पैरासाइट का मतलब होता है ये अपने फूड मटेरियल के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जितने भी ओमाइसिटिस ग्रुप्स के फंगी होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जितने भी ओमाइसिटिस ग्रुप्स के फंगी होते हैं इनके सेल वॉल जो होते हैं वो सेलुलोज से बने होते हैं, तो मेड अप सेलुलोज। तो आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। जस्ट आगे लिखा हूं, तो जितने भी ओमाइसिटिस ग्रुप्स के फंगी होते हैं उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है स्पोर के थ्रू होती है। हमने पढ़ा है जितने भी फंगी होते हैं उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर और प्रीडिया के थ्रू होती है, लेकिन ओमाइसिटिस ग्रुप्स के जितने भी फंगी होते हैं उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू होती है। लेकिन इनका स्पोर दिखने में कैसे होता है, तो लिखो बाय पेयर शेप्ड। इनके स्पोर जो होते हैं पेयर शेप्ड में होते हैं। पेयर शेप्ड को हम लोग हिंदी में नाशपाती के आकार का भी कह सकते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए इनके जो क्या होते हैं, स्पोर जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल कब कहेंगे जब इसके लोकोमोशन ऑर्गन्स क्या हो, प्लेजिला हो। तो इनमें जब लोकोमोशन ऑर्गन्स ये प्लेजिला है तब ये क्या है, मोटाइल है। लोकोमोशन ऑर्गन्स प्लेजिला है तो आसानी से ये अपने बॉडी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए जो मोटाइल हो, जिनमें लोकोमोशन करने की कैपेसिटी हो, ऐसे स्पोर को हम लोग जू स्पोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो याद रहे फंगी में जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो स्पोर के थ्रू होगा। स्पोर के थ्रू होने के साथ साथ इनके जो स्पोर होते हैं वो बाय पेयर सेप्टा में होते हैं, और बाय पेयर सेप्टा के साथ साथ आपको लिखना होगा इनके जो स्पोर होते हैं वो बाय फ्लेजेटेड जू स्पोर होते हैं। उसके बाद सबसे अंतिम पॉइंट में देखो, जितने भी ओमाइसिटिस ग्रुप्स के फंगी होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो गैमेटेंजल कॉन्टैक्ट के थ्रू होती है। हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट थ्री मेथड में आपको समझा चुका हूँ। अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फंगी नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देखना आपको बेहद जरूरी है। तो याद रहे जितने भी ओमाइसिटिस ग्रुप्स के फंगी होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजल कॉन्टैक्ट के थ्रू होगा। तो गैमेटेंजल कॉन्टैक्ट का मतलब होता है वह स्ट्रक्चर जिनके अंदर गैमेट्स ओरिजिनेट होते हैं। तो जिनके अंदर दो गैमेट्स मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ओरिजिनेट होंगे इसी को हम लोग बोलते हैं गैमेटेंजल कॉन्टैक्ट कहेंगे। और याद रहे इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टाइप होती है वो ओगैमस होती है, क्योंकि हमने देखा है कि फंगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट थ्री टाइप्स होते हैं। पहला होगा आइसोगेमस, सेकेंड होगा इन आइसोगेमस, और थर्ड में लिखा हूं ओगैमस। तो ओगैमस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ओगैमस का मीनिंग क्या होगा, तो लिखा हूं मैं जब मेल गैमेट, जो मेल गैमेट मोटाइल हो और छोटा हो, जो मेल गैमेट मोटाइल और स्मॉल हो लेकिन फीमेल गैमेट कैसा हो, तो नॉन मोटाइल और बड़ा हो। सिंपल से मोटाइल का मतलब इसमें मेल गैमेट के पास फ्लैजिला प्रेजेंट है लेकिन फीमेल गैमेट के पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। तो जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है वो क्या होगा, अपने बॉडी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर सकता है,
लेकिन जिनमें फ्लैजिला अपसेट है वो कभी भी गैमेट्स एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर नहीं होगा। तो याद रहे ऐसा गैमेट्स जब मेल गैमेट क्या हो मोटाइल और छोटा हो, लेकिन जब फीमेल गैमेट क्या हो नॉन मोटाइल और बड़ा हो। तो इस अदर हम कह सकते हैं कि अलग अलग दो गैमेट्स अलग अलग आकार के दो गैमेट्स के बीच अगर क्रॉस होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ओगैमस कहते हैं। और जितने भी ओगैमस ग्रुप से फंगी होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टाइप होती है वो ओगैमस होती है। स्पाइन क्रॉप नोटिस कीजिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जितने भी ओगैमस ग्रुप से फंगी होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी डिजीज जो होती है इस फंगी के थ्रू अदर पर्सन में ओरिजिनेट हो सकती है। ये पता होना चाहिए कि ओमाइसिटिस ग्रुप्स के जितने फंगी होते हैं उसके कुछ एग्जांपल मैं लिखा हूं। तो ओमाइसिटिस ग्रुप्स के फंगी का सबसे पहला एग्जांपल मैं लिखा हूं फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा एक ऐसा फंगी है जो पोटैटो में अर्थात आलू में डिजीज ओरिजिनेट करने के लिए रिस्पांसिबल है। तो सबसे पहला पॉइंट पुस्तक की बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा फंगी है जो पोटैटो में डिजीज ओरिजिनेट करती है। तो उस फंगी का नाम है फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा एक ऐसा फंगी है जो पोटैटो में कौन सा डिजीज ओरिजिनेट करती है। तो उस डिजीज का नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का मतलब होता है आलू में क्या होगा ब्राउन या ब्लैक रंग क्या होते हैं धब्बे पड़ते जाते हैं। अगर आलू में ब्राउन और ब्लैक रंग के अगर डेथ एरिया अगर हमें दिखाई देगा तो उस डिजीज को बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो पोटैटो में लेट ब्लाइट ऑफ डिजीज ओरिजिनेट करने के लिए फाइटोप्थोरा फंगी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड एग्जाम्पल में लिखा हूँ जितने भी ओमाइसिटिस ग्रुप से के फंगी होते हैं तो सेकेंड एग्जाम्पल में लिखा हूँ एल्बुगो कॉन्डिटा। एल्बुगो कॉन्डिटा भी एक क्या है फंगी है और ये डिसीज ओरिजिनेट करती है रेडियस में। तो डिसीज ओरिजिनेट करती है तो कौन सा डिसीज ओरिजिनेट करती है तो उस डिसीज का नाम लिखा हूँ व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफेरी। जितने भी क्रूसिफेरी फैमिली के क्या होते हैं प्लांट होते हैं उसमें व्हाइट रस्ट ओरिजिनेट करती है। और व्हाइट रस्ट का मतलब हम कह सकते हैं तो ये एल्बुगो कॉन्डिटा जो होती है वो मूली के पत्तों पर सफेद रंग के क्या होते हैं धब्बे पैदा कर देते हैं। मूली के अगर पत्तों में अगर सफेद रंग के धब्बे अगर दिखाई दे रहे हैं तो ये व्हाइट कलर के जो धब्बे होते हैं वो क्या है व्हाइट रस्ट है। और ये मूली किस तो ये रेडियस किस बात है तो क्रूसिफेरी ओके रेडियस जो होती है वो क्रूसिफेरी फैमिली का क्या है मेंबर्स हैं। तो क्रूसिफेरी के जितने भी क्या होते हैं मेंबर्स होते हैं उनमें एल्बुगो कॉन्डिटा जो होती है उनके लिप्स में सफेद रंग के धब्बे पैदा करने के क्या है रिस्पॉन्सिबल है। सबसे थर्ड एग्जाम्पल में लिखा हूँ जितने भी ओमाइसिटिस ग्रुप से फंगी होते हैं उसका थर्ड एग्जाम्पल में लिखा हूँ स्क्लेरोस्पोरा ग्रेविनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेविनिकोला एक फंगी है और ये बाजरा में डिसीज ओरिजिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बाजरा में कौन सा डिसीज ओरिजिनेट करती है तो उसका नाम मैं लिखा हूँ ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा। तो ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा से क्या होगा तो यहाँ पर लिखा हूँ ऑल कवर्स आर मॉडिफाइड इनटू ग्रीन लीव्स। बाजरा के जितने भी फ्लावर होते हैं वो ग्रीन लीव्स में मतलब हरी पत्तियों में क्या हो जाते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं। जब बाजरा के जितने भी फ्लावर होते हैं वो ग्रीन लीव्स में अगर कन्वर्ट हो जाए तो कभी भी फ्रूट्स से क्या नहीं होंगे फल नहीं बनेंगे। तो सिंपल सी बात है। तो इस मैं लिखा यहाँ पर स्क्लेरोस्पोरा ग्रेविनिकोला एक ऐसा फंगी है जो बाजरा में क्या करती है ये डिसीज ओरिजिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम कह सकते हैं कि अगर बाजरा के टोटल फ्लावर्स अगर लीव्स में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं फिलोडी भी कहते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज फिलोडी तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ ऑल फ्लावर्स आर मॉडिफाइड इनटू ग्रीन लीव्स। बाजरा के जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो ग्रीन लीव्स में क्या हो जाते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं। तो याद रहे तो जितने भी मैं ओमाइसिटिस ग्रुप से फंगी का एग्जाम्पल दिया हूँ जो डिसीज ओरिजिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हर बार कंपटीशन एग्जाम में कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो अभी तक मैं आपको केवल ओमाइसिटिस ग्रुप से फंगी का कुछ जनरल फीचर समझाया हूँ। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप नोट कर सकते हैं और टोटल इसको नोट करके ही रखना है और फ्यूचर के लिए अच्छे से मेहनत करना है ताकि आप आसानी से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम और इस साल का 11th एग्जाम आसानी से पास कर सकें। तो थैंक यू। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों में शेयर कीजिए और अगर अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।